वृश्चिक राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। वृश्चिक राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं प्रभु महाबली संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वृश्चिक राशि वालों, आपकी किस्मत की रफ्तार 100 गुना तेज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अब पहले जैसी आपकी जिंदगी नहीं रहेगी। वृश्चिक राशि वालों, देखने वालों को भी सदमा लग जाएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, आपकी किस्मत की रफ्तार ही कुछ ऐसी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अब सारे दुख दर्द को अलविदा कहने का समय आ गया। जी हाँ दोस्तों, जो आपके नसीब में है, जो आपके भाग्य में है, वो अब आपको मिलेगा। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपकी तरक्की और कामयाबी देखकर दुश्मनों की आंखें लाल हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से यूं समझ लीजिए कि अब राजा बनने का समय आ गया। जी हाँ दोस्तों, अब राज करोगे और आपके दुख भरे जीवन खत्म होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चुंबक की तरह सब कुछ अब आपके पास खिंचता हुआ चला आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने जीवन में जो चाहोगे वो होगा, क्योंकि दोस्तों किस्मत जब साथ देता है ना, तो बड़े बड़ों का मात देता है। गरीब के घर भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है, और अमीर के घर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है। जी हाँ दोस्तों, सारा खेल किस्मत का ही है। दोस्तों, जिस इंसान का भाग्य साथ देता है, वो इंसान रातों रात गरीब से अमीर बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आप सभी के कर्मों का बराबर हिसाब होगा, और आपके अच्छे कर्मों का फल आपको प्राप्त होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान जब अच्छे कर्मों का फल देते हैं ना, तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, क्योंकि भगवान जो भी देते हैं वो उनके कर्मों के, अच्छे कर्मों के फल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे, पिछले समय अंतराल में लोगों का भला किए होंगे, तो मदद किए होंगे, तो अगले इन 24 घंटे में तैयार रहना, वो आपको किसी ना किसी रूप में जरूर मिलेगा। कर्म फलदाता आपको बहुत बड़ा चमत्कार आप सभी के जीवन काल में करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में जानते हैं आने वाले अगले 24 घंटे में कौन कौन से खुशखबरी और कौन कौन से बदलाव आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं। सब कुछ विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में संकट मोचन प्रभु महाबली का जयकारा जरूर लगाएं। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे में अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। जी हाँ दोस्तों, निवास स्थान में बदलाव संभव है, या नया घर खरीदने की योजना को अंतिम रूप दे सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, समय अभी आपके लिए बहुत बढ़िया है, अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं और अच्छे कर्म करें, आपको लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ समय से अपने घर या इसके किसी हिस्से को नया रूप देने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, तो ये समय उसके लिए बहुत अच्छा समय है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आपकी शारीरिक सेहत तो अच्छी है, लेकिन आपकी मानसिक सेहत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कैरियर के मामले में अपनी क्षमताओं से अधिक जिम्मेदारियां ले ली है, और इसके नतीजे के रूप में आपका मानसिक तनाव काफी ज्यादा बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको तुरंत इसका समाधान खोजना होगा, अपना जो है रिलैक्स करें और तकनीकी अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, डेटॉक्स करने वाले डाइट भी आपको मदद मिलेगी। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं कि आज आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, उनकी बेरोजगारी की समस्या अब दूर हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके क्षेत्र से अलग होगा, आपको दोनों क्षेत्रों को आपस में तोलना होगा, ताकि आप सही कैरियर का निर्णय ले सकें। हालांकि ये आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। जी हाँ दोस्तों, पर आप पूरी तरह से अपना कार्यक्षेत्र को न बदलें।
जी हाँ दोस्तों, आप अपने परिवार या अपने जीवन संगिनी का मत भी ले सकते हैं कि कौन सा कार्य क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बिना सोचे समझे कहीं पर भी अभी आपको कदम नहीं बढ़ाना है। जी हाँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो जो आपका करीबी है, जो आपका सबसे खास व्यक्ति है, उनका सलाह ले सकते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे आपके लिए जो समय होंगे, यह समय रुका हुआ पैसा मिल सकता है। अगर आपका कहीं धन रुका हुआ था तो वो पैसा मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर समय अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप गाड़ी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो ज़रा सावधान रहिएगा। जी हाँ, क्योंकि आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपको किसी प्रकार की चोट मोट या फिर छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए दोस्तों, जितने ज़्यादा सावधान रहेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। आने वाले अगले 24 घंटे में आप घर और ऑफिस दोनों स्थानों पर शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका यह अनुभव मजेदार रहेगा और आप इससे प्रेरित भी होंगे। हालांकि अपनी निजी बातों किसी के भी साथ शेयर ना करें और कोई भी कड़वा पाठ सीखने के लिए भी खुद को तैयार रखें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, ग्रहों की स्थिति के कारण आपके संबंध में कुछ उलझन सा चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई दिनों में बहुत सारी घटनाएं हुई है और आपने रचनात्मक रुख अपना लिया है, जिससे आप केवल अपना सर नीचा करके शांति बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि ये वो समय है जब आपको अपने रिश्तों की गहराई को जानने के लिए अधिक कार्यक्रम रुख अपनाने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, ये समय आपको समस्याओं से डटकर सामना करने का समय है, बल्कि भागने का नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप छोटी मोटी बातों के बारे में सोच विचार करके परेशान हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सोचना प्राकृतिक है, लेकिन इससे आपकी घर और कार्यस्थल की शांति और कार्य की गति प्रभावित होंगी। जी हाँ दोस्तों, ये समय बड़े लक्ष्यों को जो है सोच समझकर छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देने का समय है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहती हैं, तो आपको जो है छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना होगा और सभी को माफ़ करके आगे बढ़ना होगा, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, बात अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद, दिन आपका शुभ हो।